हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रिंकी और आप देख रहे हैं रिंक्स चॉइस चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक नौकरी की जानकारी, एक नहीं बल्कि हज़ारों लाखों नौकरियों की जानकारी। क्योंकि अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो केजरीवाल सरकार ने एक पोर्टल लॉन्च किया है। ये देखिए पोर्टल मैंने अभी डालने जा रही हूँ गूगल पर। अब ये वेबसाइट लिंक है, वेबसाइट मैंने डाल दी। अब आप देखिए ये आ गया रोज़गार बाजार। तो ये है नौकरी ढूंढने वाले और नौकरी देने वाले, दोनों यहाँ मिलते हैं। मतलब अगर आपको नौकरी की ज़रूरत है या किसी एम्प्लॉय की ज़रूरत है, दोनों आपको यहाँ मिलेंगे। ये केजरीवाल जी की दिल्ली सरकार, आपकी सरकार ने लॉन्च किया है नौकरी ढूंढने वालों के लिए भी और नौकरी देने वालों के लिए भी। इस पर आपको रजिस्टर करना है। अब मैंने भी पहली बार खोला है, आइए चलते हैं, आप भी मेरे साथ कीजिए। तो ये मैंने पोर्टल खोला, इस पर सिर्फ इतना आ रहा है मुझे नौकरी चाहिए, और नीचे आ रहा है आप डार्क ब्लू कलर का है उस पर लिखा है मुझे नौकरी चाहिए, और ये ग्रीन ग्रीन कलर का जो है इस पर लिखा है मुझे स्टाफ चाहिए। तो मैं तो भाई मुझे तो नौकरी चाहिए, मुझे तो स्टाफ चाहिए नहीं, तो मैं मुझे नौकरी चाहिए वाले पर क्लिक करती हूँ। अब आपको यहाँ पर डालना है 10 डिजिट का नंबर। अब 10 डिजिट का नंबर मुझे डालना है यहाँ पर, तो ये 10 डिजिट का नंबर तो मैं आपके सामने नहीं डाल सकती हूँ, तो आगे कैसे बढ़ेंगे इसमें मुझे समझ में नहीं आ रहा। 10 डिजिट का नंबर अगर मैंने आपके सामने डाल दिया तो ये वीडियो, मतलब आप तो, आपको तो मेरा नंबर पता चल जाएगा, नंबर मैं दे नहीं सकती। तो आइए आगे बढ़ते हैं, इसमें कैसे नंबर डालते हैं और क्या करते हैं उसके बाद मैं आपको आगे का प्रोसेस बताती हूँ, ठीक है। तो मैंने 10 डिजिट का नंबर इसमें डाल दिया है। अब लिखा है आगे बढ़ें, नेक्स्ट, तो नेक्स्ट पर क्लिक किया मैंने। अब मेरे नंबर पर आ गया OTP। OTP डालने के बाद मैंने वेरीफाई कर लिया है। अब नीचे आ रहा है देखो अकाउंटेंट, कृषि क्षेत्र एवं पशुपालन, वास्तुकार, इंटीरियर डिज़ाइनर, बैंक ऑफिस, डेटा एंट्री, मतलब जिस फील्ड में आपको नौकरी चाहिए, ब्यूटीशियन, स्पा, वेलनेस, ब्यूटी पार्लर का कोर्स किया है, केयर टेकर, घरेलू सहायिका, मतलब मेड की भी अगर आपको नौकरी चाहिए, किस तरह की आपको नौकरी चाहिए इसमें आपको उस पर क्लिक करना है। कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड अगर आप लेबर हैं, मिस्त्री हैं, तो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, कंटेंट लेखक, कंटेंट राइटर हैं, रसोइया, बावर्ची, ग्राहक सहायता, टेलीकॉलर, डिलीवरी बॉय आपको बनना है, चालक बनना है, इवेंट मैनेजमेंट, फिटनेस ट्रेनर, ग्राफिक वेब डिज़ाइनर, होम कॉर्पोरेट सर्विस, चपरासी, HR एडमिन, IT हार्डवेयर, नेटवर्क इंजीनियर, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, कानूनी, विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग, नर्स, वार्ड बॉय, रिसेप्शनिस्ट, सेल्स, मार्केटिंग, बिजनेस डेवलपमेंट, सैनिटेशन, क्लीनिंग, सिक्योरिटी गार्ड, टेलर, डिज़ाइनर, टीचिंग, वेटर, स्टीवर्ड, वेयरहाउस, प्रोफेशनल आर्टिस्ट, फोटोग्राफर, डांसर। तो देखिए इसमें इतनी सारी इसमें है, कोई ना कोई तो आप किसी की कैटेगरी में तो आते होंगे। भैया मैं किसकी कैटेगरी में आती हूँ, तो मैं चली जाती हूँ इसमें, अभी मैंने देखा था ना यार, तो मैं इसमें चली जाती हूँ, कंटेंट राइटर वाला है मेरा, नीचे था, तो मैं जिस फील्ड की हूँ मैं उसके लिए जाऊँगी। तो कंटेंट राइटर, कंटेंट लेखक, क्योंकि मैंने जर्नलिज्म किया हुआ है तो मैं गई कंटेंट राइटर में, तो कंटेंट राइटर के लिए मैं अप्लाई कर रही हूँ। अब देखिए मैं चली गई आगे इसमें, अभी आगे प्रोसेस होगा, नेट भी थोड़ा सा स्लो चल रहा है बारिश की वजह से। अब मुझे नौकरी कहाँ पर चाहिए, वो ये भी पूछ रहा है कि नौकरी मुझे कहाँ पर चाहिए। मुझे चाहिए साउथ दिल्ली में, तो ये साउथ दिल्ली में आ गई मैं। तो क्या आप अंग्रेज़ी में कुशल हैं, क्या कैन यू स्पीक इन इंग्लिश, तो हाँ मैं कुशल हूँ लेकिन फ्लुएंट इंग्लिश में नहीं बोल पाती हूँ, तो मैंने नो कर दिया। अब नो कर दिया मैंने, और इसके पीछे क्या है, कौन सा क्षेत्र है मेरा, तो मेरा क्षेत्र है दिल्ली NCR, आउटसाइड की तो मैं हूँ नहीं, आउटसाइड होता तो आउटसाइड पर क्लिक करना है। क्या आपने पहले काम किया है, यस। आपने कहाँ तक पढ़ाई की है, पोस्ट ग्रेजुएट। मेरा लिंक कौन सा है, तो मैं हूँ फीमेल। पूरा नाम क्या है मेरा, पूरा नाम है मेरा रिंकी, ओनली रिंकी, मैंने कोई सरनेम नहीं लगाती हूँ। तो पूरा डिटेल मैंने आपको दिखा दिया यहाँ पर। अब मैं इसको सबमिट कर दूँगी, अब मैंने इसको कर दिया सबमिट, और सबमिट करने के बाद ये आ गया यहाँ पर, क्या नहीं किया मैंने इसमें, सबमिट कर दिया, तो सबमिट 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 का कोई मैसेज भी तो आना चाहिए ना, लोडिंग हो रहा है देखो ये योर एप्लीकेशन। तो अब मैंने सबमिट कर दिया, अगर आपको भी इसमें से कोई नौकरी चाहिए तो आप उसके लिए सबमिट कर सकते हैं। जैसे मैंने पूरा प्रोसेस बताया यही है। अब आपको नौकरी के लिए इसमें बहुत सारी डिटेल आ गई है, देखो कितनी सारी नौकरी है। अब डालते के साथ ही इसमें नौकरी आ गई है, तो मुझे नौकरी जो करनी है, आप देखिए कहाँ पर है, साइमरोज मीडिया प्राइवेट लिमिटेड ईस्ट दिल्ली में, 15,000 से 20,000 रुपये दे रहे हैं ये।
कंटेंट डेवलपर हैं ये 6,000 से 8,000 रुपये दे रहे हैं। इंटर्न फॉर यूट्यूब न्यूज़ चैनल हैं आज का भारत तो ये 15,000 से 20,000 रुपये दे रहे हैं। नीचे ये भी लिखा है झूठे वादों से सावधान, नौकरी के बदले पैसे ना दे। इसमें आपको पैसे किसी को नहीं देने हैं, कोई बीच में इसमें कोई मीडिएटर नहीं है जो आपसे पैसे मांगेगा। न्यूज़ एंकर की नौकरी करनी है तो 15,000 से 15,000 रुपये यहाँ पर लिखा है। कॉपी राइटर है, कंटेंट राइटर है, एसोसिएट कंसल्टेंट है, ऑडियो एडिटर है, कंटेंट राइटर है, रिपोर्टर है, एडिटर, एंकर, न्यूज़ रीडर, सोशल मीडिया सहायक भारतीय न्यूज़ में, और बहुत सारी इसमें न्यूज़ नौकरियां हैं, देख सकते हैं आप खुद ही। तो मैंने डाला था कंटेंट राइटर का क्योंकि मैंने जर्नलिज्म किया हुआ है भाई, तो काफ़ी सारी नौकरियां मेरे लिए आ गई है, अनगिनत इसमें नौकरियां आ गई भाई, ये तो बहुत अच्छा है। चलो हम इसमें से एक खोलकर देखते हैं कि कौन सी नौकरी किस तरह की है। आप डालेंगे, आप लेबर मिस्त्री की डालिए, किसी की भी डालिए, तो आपके लिए भी इसमें नौकरी आ जाएगी। अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ, मुझे कौन सा अच्छा लग रहा है, मैं डाल रही हूँ ऑडियो एडिटर। तो ऑडियो एडिटर की मैंने यहाँ पे देखा नौकरी, देखें अब मैंने इस पर क्लिक कर दिया नौकरी देखे पर, ऑडियो एडिटर को मैंने खोला और ये ओपन हो रहा है। ऑडियो एडिटर है ये है जॉय अपार्टमेंट्स में, Sector 2, Plot 2, द्वारका, न्यू दिल्ली में ये नौकरी है। नौकरी की डिटेल देखो आप, वर्क करना है घर से 9 बजे से। अब आप ये भी देखो 9 बजे से, यार मैं तो इसको मतलब वो कर लेती हूँ, लॉक कर लेती हूँ, 9 से 6 बजे तक है शिफ्ट और 6 दिन आपको काम करना है, काम घर से करना है। ये तो बड़ी अच्छी नौकरी है, घर से काम करना है तो मैं भी कर सकती हूँ क्योंकि मैं तो वेली बैठी हूँ ना फ्री घर में, तो मैं घर से काम करने वाली इस नौकरी, अच्छा मैंने देख ली। आपकी शिक्षा होनी चाहिए इसमें 10th से कम भी चलेगा। एक्सपीरियंस 3 साल का मांग रहे हैं ये, 0 से 3 मांग रहे हैं, मतलब ज़रूरी नहीं है कि पूरा 3 साल हो। अब इसमें क्या करना है, ऑडियो एडिटिंग करनी है, साउंड फोर्ज करना है, प्रो टूल्स है, ऑडियो स्टूडियो टेक्नीशियन की ये नौकरी है। अब मुझे इस पर कॉल करना है तो आइए कॉल भी कर लेते हैं, नंबर आ गया देखो, अब मैं इस पर कॉल कर रही हूँ और अभी बात कर लेते हैं, आप ही के सामने क्या बात हो रही है देख लेंगे। और ये यार मेरी लाइट भी चली गई, वाईफाई बंद हो गया, समथिंग वेंट रॉन्ग दिखा रहा है। तो सेंड व्हाट्सएप, मैं व्हाट्सएप पे जाऊंगी, मैं व्हाट्सएप पे बात करना चाहती हूँ इनसे, तो आ गई मैं इनसे व्हाट्सएप में। तो ये देखिए अब मैं करूँगी, हेलो सर, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस जॉब। तो ये हो गया डन, गया। अब देखते हैं क्या रिप्लाई आएगा, कब आएगा और कैसे आएगा। तो मैंने आपको बता दिया कैसे आपको इस नौकरी के लिए अप्लाई करना है, बहुत अच्छा है ये पोर्टल और आप भी इसमें जाकर अप्लाई कर सकते हैं, और आपने देखा। और अब मैं देखती हूँ कि मेरे को फिर से इसमें बैक जाना है और मैं इसमें इसको कट कर दूँगी और मैं फिर से आ गई पीछे, और भी बहुत सारी नौकरी हैं ये देखिए, इसमें कई सारी नौकरी हैं। अब इस पे आते हैं हम रिपोर्टर एडिटर वाली नौकरी पे, तो ये काम मैं पहले भी कर चुकी हूँ प्रोडक्शन में इंडिया न्यूज़ चैनल में, तो इसमें पार्ट टाइम है, ये भी पार्ट टाइम है भारतीय न्यूज़ जॉब वैकेंसी, ग्रेजुएट होना चाहिए इसमें। और इसमें हम करेंगे कंपोजिंग करनी है इन इंग्लिश हिंदी, कंप्यूटर एंड सोशल मीडिया, फोटोग्राफी, स्पीकिंग, एंकरिंग, एडिटिंग, न्यूज़, वीडियो मेकिंग, एडिटिंग, अपलोडिंग, प्रोशिप एंड मैनेजमेंट स्किल की ये नौकरी है। हमेशा ये नीचे लिखा हुआ है झूठे वादों से सावधान, नौकरी के बदले पैसे ना दें। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि इसमें कोई बिवेयर ऑफ फॉल्स प्रोमिसज है, आप किसी के धोखेधड़ी में ना आए। अब इस पर भी मैं व्हाट्सएप करूँगी, इनको भी व्हाट्सएप कर देते हैं, आ गया भाई नंबर। अब इस पर भी लिखूँगी मैं, हेलो सर, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस। ये कॉल आ जाता है ना बीच में, मेरा ख़राब हो जाता है काम। और ये जॉब, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस जॉब, तो ये हो गया डन, गया। अब ये मैंने कर दिया मैसेज, देखते हैं किसके पास मेरा किसका रिप्लाई आएगा, और वो रिप्लाई जो भी आएगा मैं आपसे शेयर ज़रूर करूँगी। कॉल करके देखते हैं, इस पर नंबर भी आ गया, इसका मैंने स्क्रीनशॉट भी ले लिया है। नंबर पे कॉल करते हैं, देखते हैं कॉल जाएगा कि नहीं जाएगा। कॉल नहीं जा रहा है, व्हाट्सएप हो रहा है।
कॉल मैं कर लूँगी बाद में। तो मैंने आपको बता दिया किस तरह की ये नौकरी है और कैसे इसके लिए आपको अप्लाई करना है। कुछ भी पूछना चाहते हैं इस नौकरी के बारे में, कैसे आपको ये नौकरी मिलेगी, भाई दिल्ली वालों के लिए बहुत अच्छा बेहतरीन चांस है। इस तरह का पोर्टल आज तक कभी भी किसी ने शुरू नहीं किया, तो केजरीवाल जी को मैं धन्यवाद करती हूँ। तो कोरोना काल में जब बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए हैं, जिनके हाथों से नौकरी निकल गई है, मेरे हस्बैंड के ऑफिस में खुद 400 में से 350 लोगों को नौकरी के लिए से निकाल दिया गया है, तो बहुत सारे लोग हैं जिनको नौकरी मिल सकती है इस पोर्टल के जरिए। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए गाइस, और जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल में लोग हैं, आपके रिलेटिव्स में हैं, जितने भी लोग हैं, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए एक बार, क्योंकि यार देखो ना, हेल्प करना तो हमेशा हमें बचपन से सिखाया जाता है, और आपका किस इसमें कुछ जाना तो है नहीं, बस वीडियो को क्या करना है आपको व्हाट्सएप में शेयर करना है, आप शेयर कर दीजिए बस, कैसे भी कर दीजिए, क्योंकि इससे बहुत सारे लोगों का फ़ायदा हो जाएगा जो बेचारे नौकरी अपनी छोड़कर बैठे हैं, बेरोज़गार हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, उनको नौकरी चाहिए, और कोई ऐसी फर्म है जिनको वर्कर्स भी चाहिए, तो वो भी इस पोर्टल पे अप्लाई कर सकते हैं। मैंने आपको दिखाया था इसमें दो ऑप्शन दिए गए थे, मुझे नौकरी चाहिए और दूसरा था मुझे एम्प्लॉय चाहिए। तो अगर आप किसी कंपनी को आप खोल रहे हैं या बिजनेस आपने शुरू किया है, आपको कोई एम्प्लॉय चाहिए, तो आप उस पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो इसी तरह की वीडियो मैं आपके लिए लेकर आती रहूंगी। कुछ पूछना चाहें तो गाइस ज़रूर पूछिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं आपकी हेल्प कर जरूर करूंगी। आपको पता है ना मैं हमेशा आपकी हेल्प करती हूँ, मैं पहले भी आपके लिए ऐसी वीडियोस लाती थी जिसमें बहुत सारी नौकरियों की इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है, और अब तो मेरे एंटरटेनिंग ब्लॉग्स भी आप देखने लगे हैं, पर्सनली भी आप मुझे जानने लगे हैं अच्छी तरह। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आजकल मैं दिखा रही हूँ आपको एंटरटेनिंग अच्छे अच्छे ब्लॉग्स, इसके अलावा नौकरियों की और ऐसी इन्फॉर्मेशन तो मैं आपके लिए लेकर आती रहती हूँ जिसमें आपका फायदा छिपाए, और इसी तरह की इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए आगे भी लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, और जिसको भी नौकरी मिल जाए यार बताना जरूर, और जो भी इसके लिए अप्लाई कर रहा है, अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो भी मुझे बता देना, मैं दोबारा से आपकी हेल्प कर दूंगी, दोबारा से वीडियो लेकर आ जाऊंगी आपके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।